अगर आप शराब के शौकीन हैं और बियर पीते हैं तो एक खबर आपके लिए है, क्योंकि अब बियर पीने से आपकी जान जा सकती है या फिर आप अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। दरअसल अगर आप बियर पी रहे हैं तो एक बार जरूर देखें कि वो नकली है या असली, या फिर उसका डेट एक्सपायर हुआ है या नहीं, क्योंकि ऐसा ही एक मामला सामने आया है विरार के ग्लोबल सिटी से, जहां आई बाबा बियर शॉप पर एक्सपायर बियर बेचा जा रहा था। आई बाबा बियर शॉप नामक बियर की दुकान से रात के समय अनिकेत घोरपड़े ऑनलाइन 4700 की बियर खरीदते हैं, और उसके बाद जब उनका ध्यान बियर के लेबल पर जाता है तो 13 जनवरी 2023 को ही एक्सपायर हो गया था, जिसे देखने के बाद जब दुकानदार से शिकायत की गई, दुकानदार ने कहा, पियो मरोगे नहीं, मैं हूं ना। विरार पश्चिम ग्लोबल सिटी का एरिया है, जो अबकारी विभाग वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बाला साहब पाटिल के अंतर्गत आता है। फिलहाल उस बियर शॉप पर कार्रवाई तो की गई है, लेकिन ऐसे अन्य कई बियर शॉप विरार वेस्ट में हैं, जहां पर कार्रवाई होनी अभी बाकी है। चलो बोलो। मैं एक्सपायरी डेट बियर बेच रहा हूँ, और वो बियर पीने से कोई नहीं मरता, अगर मरता है तो मैं उसका जिम्मेदार होता हूँ, आप दे दो मेरे, ठीक है? आप हॉस्पिटल जाओ। कौन सा हॉस्पिटल जाने का आप बताओ, आपको अगर पेट में है बीमारी या कुछ है वो देख। यहाँ पे बियर लेने आया था, जब बियर लेने आया तो उधर बियर मुझसे मांगा, उन्होंने उनको दी। जब बियर देने के बाद हम लोग ने देखा तो वो एक्सपायरी डेट हुआ, हमने उनको पूछा कि एक्सपायरी डेट, तो वो बोल रहे कि नहीं वापस लेता, तो हमको पूछा आप बेचते क्यों हुए एक्सपायरी डेट, तो बोलते हैं नहीं हम यही बेचते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। हमने पूछा ये आप तो लोगों के साथ खेल रहे हो, तो वो बोल रहे कि नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, किसी को कोई मरा क्या, कुछ हॉस्पिटल हुआ तो मैं देख लूँगा, ऐसे उन्होंने गलत शब्द यूज़ किया, और उसका वीडियो भी हमारे पास प्रूफ के साथ है। यानी प्रशासन से उनको थोड़ा भी खौफ नहीं है? कुछ खौफ नहीं है उनको, कि वो जो बोल रहे हैं मतलब उसके पीछे उनको लगता है कि सब उन्होंने मैनेज करके रखा हर चीज़, इसलिए वो बिंदास बोल रहे हैं, और वीडियो के सामने आके वो बोल रहे हैं कि किधर भी जाओ कुछ भी करो मैं बेचूंगा। आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है उनके ऊपर कठोर से कठोर। मैं विहार में उपस्थित कर मुझू, मेरे को कांटेक्ट किया गया क्या ग्लोबल सिटी में ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, उस हादसे में वो वीडियो पे डायरेक्ट बोल रहा है कुछ भी हो जाए इंसान मरे जिम्मेदार मैं, हॉस्पिटल जिम्मेदार मैं, लेकिन एक्सपायरी डेट बेच उसका बेच रहे है, और उसके बारे में लोगों का क्या होगा क्या नहीं उनके बारे में उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ पैसे के उनको चाहिए। हमने राज्य उत्पादन शुल्क एक्साइज ऑफिस पे रीत सर कंप्लेंट किया हुआ है, उन लोग ने अभी डेट डाली हुई है, अभी देखेंगे निष्पन्न क्या हो रहा है। हमारी एक ही मांग रहेगी कि इनका लाइसेंस जब्त हो, क्योंकि तुम देखो वीडियो और वो वीडियो पे क्या बोले हो, दिल को लगने वाला वीडियो, मरे भी कुछ भी करे मतलब उनको कुछ कर, उनको इसका मतलब ये बोल सकते हैं प्रशासन से कोई भी उनको, ये सिस्टम सब इन लोग ने बांधा हुआ है, हमें डायरेक्ट बोला ये सिस्टम सब उन लोग ने बांधा हुआ है, सब करप्ट है। अभी देखना हमको निष्पन्न क्या हो रहा है, लेकिन हम ये बात यहाँ छोड़ने वाले नहीं है। आज वसई विरार में ऐसे बहुत से बियर शॉप है जहाँ से ऐसी घटना होती होगी, लेकिन हमारे निष्पक्ष में जब आया ये, जब हमारे शाखा प्रमुख ने हमसे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं खुद भी वहाँ आया था, मैंने भी उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम एक्सपायरी डेट वाले बेचते हैं, उससे कुछ तकलीफ होता नहीं, अगर उससे कुछ तकलीफ होता नहीं मतलब इनडायरेक्टली इन लोगों के दिल से और लोगों के भावना से खेल रहे, मतलब इनको सब चीज़ पता है, लेकिन पैसे कमाने के जरिए से इन लोग एक्सपायरी डेट माल बेच रहे लोगों को, लोग आगे जिए, मैं इनसे इनको कुछ लेना देना, जैसे हम